दोस्तों केरी मिनाटी ने एक वीडियो बनाया था जो बहुत ही पॉपुलर हुआ था यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, ये आपने सुना तो हो गई। ये वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था और इस वीडियो ने काफ़ी रिकॉर्ड बनाए थे जो किसी और वीडियो ने नहीं बनाए थे। फिर भी उनका रिकॉर्ड वीडियो यूट्यूब से डिलीट कर दिया गया है। और केरी मिनाटी का ही नहीं, दूसरे भी जो इस रोस्टर वाले टॉपिक पर वीडियो बनाए थे उनका वीडियो भी डिलीट कर दिया गया है। और दूसरी बात यह है कि दूसरे वीडियो भी इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो थे बट उन्हें डिलीट नहीं किया गया है। आखिर इसका क्या कारण है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। देखिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि केरी भाई ने गलत वर्ड यूज़ किए थे, शायद वो इसलिए डिलीट हुआ है, लेकिन इसका जो ये मेन कारण है वो ये नहीं है। गलत वर्ड यूज़ करने से कभी भी यूट्यूब से वीडियो डिलीट नहीं होता है। इसका जो मेन कारण है वो है साइबर बलिंग हैरेसमेंट पॉलिसी है। आखिर इसमें होता क्या है तो बताता हूँ। देखिए इस पॉलिसी के मुताबिक आप इंटरनेट पर कुछ भी गलत नहीं बोल सकते हो। हर प्लेटफॉर्म के अलग अलग रूल होते हैं। अब ये अलग बात है कि केरी मिनाटी का जो वीडियो डिलीट हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं कि सही हुआ है और कुछ लोग कह रहे हैं कि गलत हुआ है। जो यूट्यूबर वाले हैं वो कह रहे हैं गलत हुआ है और जो क्रिकेट जो टिकटॉकर वाले हैं वो कह रहे हैं कि सही हुआ है। तो अपनी अपनी राय है। देखिए यूट्यूब पर जो रूल है हैरेसमेंट पॉलिसी का, उसमें गलत वर्ड का कोई यूज़ नहीं है। लेकिन अगर आप किसी के धर्म पर या किसी के ग्रुप पर या किसी के लैंगिक लक्षण पर बात करते हैं या किसी के बॉडी पर, तो कुछ ऐसी बात करते हैं जिसे पब्लिक में हिंसा बढ़ती है, किसी के खिलाफ हिंसा बढ़ती है, तो इस तरह की अगर वीडियो YouTube की नज़र में आती है तो YouTube उसे रिमूव कर देता है। अगर पब्लिक उस वीडियो पर रिपोर्ट करती है तो YouTube उस वीडियो की वापस जांच करता है और YouTube को लगता है कि अगर वीडियो रियल में गलत है तो YouTube उसे डिलीट कर देता है, लेकिन अगर वीडियो सही है तो YouTube उस वीडियो को वापस अपलोड कर देता है। दोस्तों एक और बड़ी बात यह है कि इस वीडियो को वापस भी लाया जा सकता है, क्योंकि YouTube ने साफ कह रखा है कि अगर आप कोई ऐसा वीडियो रिलेट करते हैं अरेंजमेंट पॉलिसी के तहत जो क्रिएटर है उस पर अपील कर सकता है। अपील करने के बाद अगर YouTube को लगेगा तो वीडियो वापस भी आ सकता है। लेकिन फिलहाल तो केरी मिनाटी का वो वीडियो डिलीट हो चुका है। ये तो बाद में पता चलेगा कि कितनी रिपोर्ट के बाद वीडियो वापस दिया जाएगा या नहीं, लेकिन फिलहाल तो वो वीडियो डिलीट हो चुका है। देखिए दोस्तों यूट्यूब पर ही नहीं, अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर गलत वीडियो बनाते हो तो आपका वीडियो रिमूव कर दिया जाता है। दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि इतने दिन बाद ही क्यों इस वीडियो को डिलीट किया है। तो इसका जो मेन रीज़न ये हो सकता है कि COVID-19 के कारण जो यूट्यूब का स्टाफ है वो धीरे धीरे काम कर रहा है, तो इस वजह से यूट्यूब ने काफ़ी टाइम बाद वीडियो को डिलीट किया है। लेकिन अब ये वीडियो डिलीट हो चुका है, तो इसमें आपकी क्या राय है, ये गलत हुआ है या सही हुआ है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर इस आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।